हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम डेकोर एडिक्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो तो आपको वीडियो में देख के ही पता चल रहा होगा। आज मैंने बनाई है बंदरवाल। तो ये लिपन आर्ट बंदरवाल इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत रेयरली ये कहीं देखने को मिलेगी, और अगर मिल भी जाए तो बहुत कॉस्टली मिलेगी। तो क्यों ना अपन कम कॉस्ट में घर पे ही तैयार करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके लिए मैंने ये सबसे पहले 3 mm का कार्डबोर्ड लिया है, जो मेरे पास ऐसे बहुत सारे टुकड़े वेस्ट पड़े हुए थे। बहुत टाइम से वेट कर रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, और लास्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड पर हट टाइप की ये डिज़ाइन ड्रॉ करी है और फिर इसको कट कर लिया है। कट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा बट हो जाएगा। मैंने पैलेट नाइफ की हेल्प से कुछ इस तरह से ये पीसेस कट कर लिए हैं, और इसके बाद पेपर पे मैंने कार्डबोर्ड के बीच की साइज़ के अकॉर्डिंग एलिफेंट ड्रॉ करा, और उसी की हेल्प से मैंने कार्डबोर्ड पे इनको ड्रॉ कर लिया। दूसरी मैंने इसमें ये कामधेनु गाय बनाई है। आप अपनी मर्जी से शुभ लाभ, कलश, कुछ भी इसमें लॉटस भी बना सकते हो, अपनी चॉइस से कुछ भी आप इसमें बना सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, मोल्डेड क्ले की हेल्प से वायर बना के रेडी कर लेंगे। और जो ये कार्डबोर्ड मैंने कट किया है, इसकी मैं आउटर लाइन जो है वो बना के इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी, और जो बीच का जो काम है ये सब अपन मोल्डेड क्ले के ड्राई हो जाने के बाद ही करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मोल्डेड क्ले से कुछ इस तरह से इसमें डिटेलिंग करूँगी, और जो भी काम अपन मोल्डेड क्ले से कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ताकि आर्टवर्क बिल्कुल अच्छा लगे। अभी जो मैंने एलिफेंट ड्रॉ किया था उसमें डिटेलिंग कर देंगे। सेम इसी तरह से मैं ये कामधेनु गाय जो मैंने बनाई है इसमें भी मैं मोल्डेड क्ले की हेल्प से डिटेलिंग कर लूँगी। काम थोड़ा बारीक है तो थोड़ी परेशानी होगी बट हो जाएगा। लेग बनाते वक्त अपन को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नाइफ़ की हेल्प से कुछ इस तरह से कर देना है, क्योंकि काम इतना बारीक है कि अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, मैंने ये सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्या करेंगे, मैंने अपने डोर के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से कार्डबोर्ड कट कर लिए हैं, और साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने जो मेज़रमेंट था उसको दो भागों में डिवाइड करके दो पीसेस कट किए हैं, ताकि बंदरवाल को अपन रखे फोल्ड करके तो वो ईज़ीली फोल्ड हो जाए। और मैंने उस पर डिज़ाइन ड्रॉ करके उसमें भी वही मोल्डेड क्ले की हेल्प से डिटेलिंग कर दी है कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पीसेस मैंने कुछ इस तरह से रेडी कर लिए हैं, और टोटल पीसेस ये इस तरह से रेडी करके रखे हैं। अभी अपन इसमें करेंगे कलरिंग। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये कैमल का जैसो अप्लाई कर दिया है सब पे, और जैसो से वही है, आपको कलर का कुछ कोट कम अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बिना जैसो अप्लाई किए भी डायरेक्ट कलर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसो के अप्लाई होने के बाद इसको अच्छे से ड्राई होने देना है। उसके बाद मैंने लिया है पिंक और रेड कलर, इसको कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये जो मैंने ड्रॉ किया है पेन की हेल्प से दिखाई दे रहा होगा, इसको इस जगह को छोड़ के मैंने बाकी जगह येलो कलर अप्लाई कर दिया है, क्योंकि यहाँ वो जो मैंने पीसेस बना रखे हैं वो यहाँ पर स्टिक करने हैं, तो उस वजह से मैंने इन पर ये जगह छोड़ी है।
बाकी पे मैं रेड और पिंक कलर कुछ इस तरह से अप्लाई करूंगी। अभी क्या करेंगे, इन पीसेस में भी कलर करके इनको भी रेडी कर लेंगे। आउटलाइन में मैंने व्हाइट कलर किया है, बाकी मैंने येलो और रेड कलर इसमें यूज किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पीसेस कलर होके भी रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वार्निश। इस पर मैंने वार्निश अप्लाई कर दिया है। वार्निश के सूख जाने के बाद मैंने इस पर मिरर्स अप्लाई कर दिए हैं। मिरर्स अप्लाई करने का वीडियो मैंने स्किप किया है क्योंकि मुझे आप लोगों को बोर नहीं करना था बिल्कुल भी। ये मिरर्स इसमें लग चुके हैं और कुछ इस तरह से मैंने मिरर्स स्टिक किए हैं। अभी अपन चलते हैं फाइनल स्टेज पे। इसमें फेविकोल की हेल्प से अपन को सारे पीसेस को आपस में स्टिक कर देना है। कुछ इस तरह से मैंने एक हिस्सा रेडी कर लिया है और जो जगह बची थी उसमें अपन को कलर कर देना है और बिल्कुल इवन कर देना है इसको। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुंदर बनाने के लिए लटकन वटकन ये बेल वगैरह मैंने यूज़ करी है। आपके पास हो तो कर सकते हो, ना हो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। ना भी करूँ तो नो डाउट ये अच्छा लगने वाला है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो ये मैंने पीस यूज़ किया है ये आपको हार्डवेयर शॉप पे कहीं भी मिल जाएगा। ये अपन को जो दो पार्ट मैंने इसमें बनाए हैं इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए ये यूज़ हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। मैंने जाके बोला कि मुझे इस काम के लिए चाहिए तो मुझे बंदे ने ये दे दिया। और अभी इसको क्या बोलते हैं मुझे खुद नहीं मालूम। ये कुछ इस तरह से देखो फाइनल लुक इसका। और भाई जो बनने के बाद प्यारी लग रही है मैं क्या बताऊँ, मेरा मन कर रहा है मैं दो तीन बंदरवाल ही रेडी करूँ और, क्योंकि मुझे इतने मैंने जो आइटम्स बनाए हैं उनमें सबसे अच्छा मुझे यही लगा है। और प्लीज़ आप भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर मेरी करीबी मेहनत में जरा सा भी आपको ऐसा लगा हो कि यार बंदी ने सच में मेहनत करी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।